हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रॉफिट गुरु चैनल में एक बार नए मार्केट अपडेट के साथ आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आपको अगर करोड़पति अगर बनना है दोस्तों, तो खाली यह एक शेयर में SIP चालू कर दो, क्योंकि SIP चंद रुपयों में चालू हो जाती है। 100 रुपये से लेके दोस्तों 1,00,000, 10,00,000, 20,00,000, 50,00,000 तक हो जाती है, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई इन्वेस्टर ये वीडियो अगर देख रहा है, ठीक है, तो वो अपने पोर्टफोलियो में ये स्टॉक को रख सकता है। मतलब दोनों ही अपॉर्चुनिटी है। लेकिन जो SIP करने वाले दर बदर स्टॉक ढूंढते रहते हैं, उनके लिए बेस्ट एम बेस्ट स्टॉक है, क्योंकि दोस्तों एक दिग्गज ग्रुप से बिलोंग करता है, एक दिग्गज सेक्टर से बिलोंग करता है, जिसका मोमेंटम अभी बहुत शानदार चल रहा है और आगे भी बहुत शानदार चलेगा। क्योंकि इसके जब फंडामेंटल कंडीशन देखोगे तो आप लोगों को भी एकदम मुंह में पानी आ जाएगा। तो चलिए चलते हैं दोस्तों उस कंपनी की फंडामेंटल कंडीशन देखने। उससे पहले आप लोगों को एक और चीज़ मैं बोलूँगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए प्रॉफिट गुरु की क्लास चैनल का लिंक दिया हुआ है, जाइए उस लिंक पर क्लिक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, विजिट करिए, क्योंकि वहाँ पर आज के दिन दोस्तों बेस्ट स्विंग ट्रेड के स्टॉक वाला जो वीडियो है वो अपडेट कर दिया गया है, और इवनिंग में आप लोगों के लिए दोस्तों इंट्राडे की टिप्स वाला वीडियो भी आएगा, जो आपकी दोस्तों ट्रेडिंग स्किल मजबूत करेगा और साथ में भी भर भर के प्रॉफिट दे के जाएगा। तो चलिए चलते हैं उस कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन देखने। तो यहाँ पर देखिए, इस दिग्गज कंपनी का परफॉर्मेंस आपको पहली नज़र से ही अच्छा देखने को मिलेगा। NSE BSE दोनों पे लिस्टेड है, मार्केट कैप 1,116,000 करोड़ का, ठीक है। उसके बाद पी अर्निंग रेशो बहुत शानदार, बहुत सस्ता, लगभग 49.7 का। रिटर्न ऑन एम्प्लॉय 37%, रिटर्न ऑन इक्विटी 30.5%, बुक वैल्यू 417 रुपये का। अब करेंट मार्केट प्राइस देखिए और साथ में 52 बिक का लोग देखिए, 52 बिक के हाई के आसपास से मार्केट क्या ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। फेस वैल्यू 1 रुपये की देखने को मिल रही है। डिविडेंड यील्ड है दोस्तों 0.70% की, है कि नहीं एकदम मुंह में पानी आने लायक, क्यों ना हम इसमें इन्वेस्टमेंट करें। जब इसका रिटर्न ऑन पैटर्न भी देखोगे ना, वो भी बहुत जोरदार है। अब देखिए पॉजिटिव क्वालिटी देखिए, स्टॉक ऑलमोस्ट डेट फ्री, ना के बराबर कर्जा, या मान सकते हो कि कर्जा है ही नहीं, ठीक है। कंपनी इज डिलीवर गुड प्रॉफिट ग्रोथ, कंपनी का दोस्तों लास्ट 5 साल का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो इतना बढ़ गया है, ठीक है, बहुत शानदार, ठीक है। कंपनी हैज़ गुड रिटर्न ऑन इक्विटी, इक्विटी का जब ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे लास्ट 3 साल का, तो एकदम धमाकेदार। कंपनी हैज़ बीन, जो कंपनी का जो हेल्थ डिविडेंड देता है, पे आउट करता है सालाना तौर पर, वो भी बहुत खतरनाक। तो इतनी भर भर के पॉजिटिव क्वालिटी है, नेगेटिव क्वालिटी एक भी नहीं। बस ये लिखा है कि स्टॉक अपनी बुक वैल्यू से लगभग 13 टाइम ऊपर ट्रेडिंग कर रहा है, तो हम ये नेगेटिव न्यूज़ नहीं मानते, मतलब क्वालिटी नहीं मानते। तो भर भर के पॉजिटिव क्वालिटी हमें देखने को मिल रहा है। अब चलिए नीचे क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं कंपनी का क्या है। सितंबर 2018 में देखिए, सितंबर 2018 मतलब इसी क्वार्टर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, अभी सितंबर का रिजल्ट आने वाला है। सितंबर 2018 में कंपनी ने 2331 करोड़ की सेल्स की थी। दिसंबर 2018 में देखिए, मार्च 2019, जून 2019, सितंबर 2019, ठीक है, दिसंबर 2019, मार्च 2020 और जून 2020, यहाँ पर पेंडेमिक आया था। यहाँ तक अगर देखें तो जो सेल्स ग्रोथ है वो लगभग दोस्तों अगर देखा जाए तो यहाँ तक 1 साल हो जाता है, ठीक है, उसके बाद बोल सकते हो कि 15 महीने, 15 महीने के अंदर अंदर कंपनी ने 700 करोड़ की जो सेल्स है वो बढ़ा ली थी, ठीक है। उसके बाद पेंडेमिक में परफॉर्मेंस ख़राब होता है, लेकिन परफॉर्मेंस जब मान लीजिए कंपनी ने 15 महीने में जहां कंपनी का परफॉर्मेंस लाया ना, ठीक है, वहां पर कंपनी ने मात्र दोस्तों 12 महीने में अपना परफॉर्मेंस 2 गुना कर लिया। आप देख सकते हो सितंबर में रिकवरी चालू हो जाती है, सितंबर 2020 में, दिसंबर 2020 में देखिए खतरनाक रिजल्ट, मार्च 2021 में देखिए खतरनाक रिजल्ट, जून 2021 में देखिए खतरनाक रिजल्ट। जहाँ इतना समय लगा वहाँ उनको मात्र इतना ही समय देखने को मिला। तो यही दोस्तों ओरिजिनल कंपनी की कंडीशन बोलते हैं, क्यों, क्योंकि कंपनी इतनी कैपेबल है कि जब उसकी फाइनेंशियल कंडीशन यहाँ पर डैमेज हुई तो उसने 2 गुना तेज़ी से काम किया और अपना जो एवरेज था उसको आगे आके मिला दिया। तो यही चीज़ हमें दोस्तों एक अच्छी तरीके से लुभा देती है ऊपर कंपनी के। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अगर देखें तो कंपनी नेट प्रॉफिट बहुत शानदार निकाल रही है। ये क्वार्टरली रिजल्ट है, क्वार्टरली रिजल्ट, ठीक है, क्वार्टरली रिजल्ट अगर हम देखें लास्ट 4 क्वार्टर जहाँ पर परफॉर्मेंस बढ़ा था, आप देखिए बहुत शानदार रिजल्ट देखने को मिल रहा है। EPS भी आप देख सकते हो, यहाँ का EPS देख सकते हो और यहाँ का EPS देख सकते हो। उसके बाद सालाना तौर पे जब कंपेयर करोगे तो आपको और अलग मज़ा आएगा। देखिए मार्च 2012 में पूरे साल भर में कंपनी ने 3182 करोड़ की सेल्स की थी। ये सेल्स ग्रोथ हर साल इंक्रीज़ हो रही है, हर साल, ठीक है। मार्च 2020 में भी इंक्रीज़ हुई थी, मार्च 2021 में भी इंक्रीज़ हुई है। 12
और 21 लगभग 10 साल हम बोल सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 साल में जहां दोस्तों 3182 करोड़ की सेल्स थी वो 12,370 करोड़ पे पहुंच चुकी है। लगभग हम बोल सकते हैं कि 10,000 करोड़ सेल्स का इजाफा हुआ है। मान सकते हैं हर एक साल में कंपनी ने 1,000 करोड़ सेल्स यहां पर इंक्रीज़ की है, मतलब कंपनी परफॉर्मेंस मार्केट में अच्छा दे रही होगी तभी यहां पर ऑर्डर बुक मजबूत हुई है। साल भर का दोस्तों प्रॉफिट क्या था मार्च 2012 में, साल भर का ईपीएस कितना था, वही प्रॉफिट दोस्तों आज की डेट में आप देख सकते हो 1936 करोड़ पे आ गया है। और जो 130 रुपए का ईपीएस था दोस्तों, ठीक है, वो यहाँ पर जब स्टॉक स्प्लिट हुआ था, यहाँ पर स्टॉक स्प्लिट हुआ था उसके बाद देखिए कितना खतरनाक रिकवरी, क्योंकि जो 130 रुपए का ईपीएस था ना वो यहाँ पर 238 का हो गया था, यहाँ पर तो लगभग 500-700 का हो जाता, तो उसको स्प्लिट कर दिया गया था। तो मोमेंटम दोस्तों बहुत ज़ोरदार है इस कंपनी का। अगर यहाँ पर भी आप देखेंगे कि सेल्स ग्रोथ किस प्रकार से बढ़ी है, तो लास्ट 5 साल में 16%, लास्ट 3 साल में 19% और अभी करेंट में लगभग 1 साल के अंदर अंदर 14%। प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का लास्ट 5 साल में 18% बढ़ा है, लास्ट 3 साल में 20% और अभी करेंट में 1 साल के अंदर अंदर 28% बढ़ा है। स्टॉक का प्राइस का मोमेंटम लास्ट 5 साल में 55% बढ़ा है, लास्ट 3 साल में 46% बढ़ा है और अभी करेंट में लगभग 111% बढ़ा है। आप देख सकते हो कितनी क्वालिटी हमें देखने को मिल रही है कंपनी के अंदर। तो दोस्तों है कि नहीं एकदम जोरदार एसआईपी करने लिए आप लायक स्टॉक। शेयर होल्डर पैटर्न भी देखेंगे तो आपको और अच्छी चीज़ें देखेगी, ठीक है। शेयर होल्डर पैटर्न की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, ठीक है, तो आप देख सकते हो कि प्रमोटर्स का स्टेक ये है, ठीक है, उसके बाद एफआईआई का स्टेक ये है। अब एफआईआई का स्टेक यहाँ से देखिए बढ़ते आ रहा है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। डीआईए छोटा सा स्टेक लेके बैठे और इतना स्टेक अभी मार्केट में फ्री है, हो सकता है प्रमोटर्स थोड़ा बहुत स्टेक बेच के अभी और पब्लिक के लिए जगह खोल दे, तो हमारे लिए ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। अभी स्टेक कम है ना तो मोमेंटम ज़्यादा हो रहा है, अभी पकड़ लोगे ना, ठीक है, प्रमोटर्स बाद में मान लीजिए यहाँ से 1 या 2 साल बाद अपना स्टेक थोड़ा सा कम करेंगे ना, तो जब तक क्या होगा, हल्के बदले गिरावट होगी क्योंकि इस न्यूज़ के कारण, देन उसके बाद फिर से खरीदारी होगी क्योंकि वहाँ पर जब बायर्स की ज़्यादा जगह आ जाएगी तो हमारी पोजीशन तो एकदम खुले आराम क्या करेगी, आराम करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि हम अच्छे खासे प्रॉफिट में बैठे रहेंगे, क्योंकि इस कंपनी का जब आप मोमेंटम देखोगे तो आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। क्योंकि दोस्तों इस कंपनी का नाम है ना क्या है, इस कंपनी का नाम है दोस्तों LTI लिमिटेड, जिसे हम लार्सन एंड टोरबो इन्फोटेक के नाम से जानते हैं, ठीक है, आईटी कंपनी है स्टॉक मार्केट की, ठीक है, और ये लार्सन और टोरबो जो मतलब ग्रुप है उस ग्रुप से ये कंपनी बिलोंग करती है। तो ज़रूर दोस्तों हमें इस कंपनी पे फोकस करना चाहिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को भी, और साथ में जो SIP करता है दोस्तों 100 रुपये 500 रुपये महीने वाली, उनको भी इस कंपनी पे फोकस करना चाहिए, जो आप लोगों को लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा रिटर्न देखे जाने वाली है। चलिए इसका रिटर्न ऑन पैटर्न भी देखते हैं मार्केट में क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो लार्सन एंड टोरबो इन्फोटेक लिमिटेड का परफॉर्मेंस अगर देखें तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में तो दोस्तों लगभग 0.5% से ज़्यादा की हमें तेज़ी देखने को मिली। 5,714 रुपये में स्टॉक क्या हुआ है, क्लोज हुआ है। लास्ट 5 दिन में देखिए 5.5% की एकदम खतरनाक तेज़ी, लास्ट 1 महीने में 16% की तेज़ी, लास्ट 6 महीने में 40% की तेज़ी, लास्ट 1 साल में 115% की, देखिए 1 साल में 115% का रिटर्न दिया है अपने शेयर होल्डर को, ठीक है। लास्ट 5 साल में देखेंगे तो मात्र 794% का रिटर्न, ठीक है। और ओवरऑल का परफॉर्मेंस देखेंगे तो कंपनी मार्केट में 2016 से आई है और आइए जब से अभी तक मात्र कंपनी ने 700% का रिटर्न दिया है और इसी साल कंपनी ने 115% का रिटर्न दे दिया। आप खुद ही कंपेयर करके देख सकते हो कि आप कंपनी का मोमेंटम 2 गुना स्प्रीड से हमें देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों जरूर LTI पे आप फोकस कर सकते हो, ये अकेला ही स्टॉक आपको मार्केट में करोड़पति बना सकता है, क्योंकि इनकी जो डिविडेंड देने की स्किल है ना वो बहुत खतरनाक, इतना शानदार डिविडेंड देते हैं। कभी इनका अगर मूड हुआ तो ये बोनस दे देंगे, कभी मूड हुआ तो स्प्लिट दे देंगे, कभी मूड हुआ तो बायबैक ले आएंगे और बायबैक लाएंगे तो दोस्तों लगभग यहाँ से 20% ऊपर लाएंगे। तो स्टॉक को 20% तो उसको वैसे ही भागना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों आईटी कंपनियों का जो अभी परफॉर्मेंस है बहुत जोरदार देखने को मिल रहा है। तो जरूर लार्सन एंड टोरबो इन्फोटेक में SIP करके चलिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अगर ये वीडियो देख रहा है तो दोस्तों जरूर इसमें इन्वेस्टमेंट करके चलिए, जो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत जोरदार रिटर्न देखे जाने वाला है। इस कंपनी से रिलेटेड और कुछ चीज़ें पूछना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, प्रॉपर आपकी कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो पसंद आया हो तो दोस्त इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि डेली बेसिस पे हम इसी प्रकार के वीडियो आप लोगों तक लाते रहते हैं। तो थैंक यू दोस्तों।